बड़ी खबर आपको बता दें सूरजपुर से। सूरजपुर वारदात को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। तो अपराधी ने जो किया है वो जघन्य ने अपराध है, साथ ही न्याय के आधार पर सजा होगी, आरोपी भाग नहीं सकता है। तो ये बड़ा बयान गृह मंत्री ने दिया है। साथ ही आपको बता दें कि कल कुछ लोगों की उग्रता के कारण बड़ी दुर्घटना होने वाली थी और उसे जो है पुलिस ने रोक लिया है। साथ ही गृह मंत्री का कहना है कि अपराधी के परिवारजनों की रक्षा पुलिस वालों के द्वारा की गई है। तो कल सूरजपुर की वारदात पर गृह मंत्री का बयान सामने आया। आपको बता दें कि कल सूरजपुर में एक सीनियर कांस्टेबल की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से उकसाई भीड़ ने आरोपी के घर को आग के हवाले कर दिया था। और आपको बता दें कि अपराधी के परिवारजनों की रक्षा पुलिस वालों के द्वारा की गई है, ऐसा गृह मंत्री का कहना है। न्याय के आधार पर, न्यायालय के आधार पर सजा होगी ही होगी, भाग नहीं सकता, पकड़ा ही जाएगा। ये अच्छा हुआ कि कल कुछ लोगों की उग्रता के कारण जो दुर्घटना होने वाली थी उससे अपराधी के परिवारजनों की रक्षा पुलिस के माध्यम से हुई है। और घर पर भी जो आगजनी की बात है, तो घर नहीं जला है, पिछवाड़ा थोड़ा सा जो हिस्सा था उस पर ये विषय, परंतु सब कुछ नियंत्रित कर लिया गया है। पुलिस ने सारे भी स्थितियों को नियंत्रित करते हुए अब उसकी खोज की जा रही है और वो मिलेगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी खोमन मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। खोमन, क्या कुछ अपडेट है? आरोपी को कहां तक पुलिस उस तक पहुंच पाई है? आरोपी को लेकर क्या अपडेट है? क्या उसके बारे में कोई भी जानकारी सामने आई है खोमन? देखिए राधा, अलग अलग एंगल से पुलिस जांच कर रही है। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। दूसरी बात, जो अलग अलग जिले का जो दायरा होता है उस पर लगातार चेकिंग अभियान भी चला रही है। तीसरी ओर उसके परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो उनके दोस्तों से पूछताछ की जा रही है, उनके मोबाइल नंबर को ट्रेस किया जा रहा है। दूसरी ओर गृह मंत्री कह रहे हैं कि न्यायालय के अनुसार जो है कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी आरोपी होगा, सरकार ये साफ तौर पर संदेश देना चाहती है, गृह मंत्री साफ तौर पर संदेश देना चाहते हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। न्यायालय जो अपराध आरोपी अपराध करके भागा है उसको पुलिस पकड़ेगी और न्यायालय के आधार पर जो है कार्रवाई की जाएगी। और यही कारण है कि लगातार पुलिस जो है अपराधियों को ढूंढने में लगी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। और पुलिस का दावा है कि आने वाले जो 12 घंटे के अंदर जो है वो पुलिस जो है आरोपी को पकड़ लेगी। लेकिन जिस तरीके से, दूसरी ओर जो गृह मंत्री ने शांति की लोगों से अपील भी की कि किसी तरीके से पुलिस परिवार पर हमला होता है और पुलिस ही आरोपी को नहीं ढूंढ पाती है, सवाल तो उठेंगे खुमन। देखिए यही कारण है और यही बात को लेकर कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है। उप मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है टीएस सिंहदेव, उन्होंने सरकार पर भी सवाल उठाए हैं, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाया और लगातार जो कांग्रेस के नेता है वो सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दूसरे और उसके इतर में बात करूं राधा, तो लगातार पुलिस जो है इस पर सवालिया निशान तो खड़ा हो ही रहा है, लेकिन उसके इतर अगर बात करूं तो लगातार सीसीटीवी फुटेज वो खंगाले जा रहे हैं अलग अलग तरीके से। आप इस पर नजर बना कर रखिए, आरोपियों को लेकर कुछ भी अपडेट सामने आएगी तो हम आपका फिर रुख करेंगे। फिलहाल जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।